नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के खास कार्यक्रम हमारे अतिथि में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्यकारी संपादक शिव कुमार विवेक जी, जिनका 3 दशक का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कन्वर्जेंस मीडिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, इससे क्या पत्रकारिता प्रभावित हो रही है? देखिए, कन्वर्जेंस तो एक समय की प्रक्रिया है। समय, अलग अलग समय पर कन्वर्जेंस चलता रहता है और विकास के लिए कन्वर्जेंस जरूरी भी है। इस पर, इससे पत्रकारिता प्रभावित होने का जहाँ तक प्रश्न है, कोई भी प्रक्रिया में जब बदलाव आता है तो उसका प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन वो प्रभाव सकारात्मक होता है। विकास की प्रक्रिया हमेशा सकारात्मक होती है। आज मीडिया के क्षेत्र में जो कन्वर्जेंस हमें दिख रहा है, और बहुत तेज कन्वर्जेंस नज़र आता है, तो मीडिया हमेशा बदलता रहा है। अभी तेज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तकनीक में बहुत तेज परिवर्तन हो रहा है। तकनीक के अपने मूल्य होते हैं, वो मूल्य पत्रकारिता या मीडिया के ऊपर भी आना स्वाभाविक है। तो इसलिए प्रभावित तो होगी, लेकिन उसके अच्छे परिणाम होंगे। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया हासिल होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मीडिया का जो परिवेश है वो कुछ सालों में बहुत ही बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मीडिया के क्षेत्र में, तो इससे जो मीडिया के आगे आने वाले जो छात्र हैं उनको किस चुनौतियों का सामना करना है? देखिए, परिवर्तन जब होता है तो चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि परिवर्तन कहीं हमें किसी नई दिशा में ले जाता है। उस दिशा में कई चीज़ें सेट नहीं होती हैं। बहुत से मापदंड, बहुत सी स्थितियों को हम सेट कर रहे होते हैं, हम तय कर रहे होते हैं। तो जाहिर बात है कि जो परिवर्तन अभी हो रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने बहुत स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो स्पष्ट हो रही हैं और नया मीडिया आकार ले रहा है। हम ये देख रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आज हम सोशल मीडिया नया है, बहुत तेज चल रहा है, और उसमें हमें बहुत सी बुराइयाँ भी नज़र आती हैं, अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं, और उसको लेकर कई तरह की समस्याओं पर भी डिबेट है। ये सब इसलिए है कि मीडिया नया है। जब टेलीविज़न 24 घंटे का हुआ था, 24 घंटे की न्यूज़ का प्रसारण शुरू हुआ था, और उस पर सांप, बिच्छू और इनकी खबरें आती थी, आज डिबेट्स आ रही हैं, खूब लंबी डिबेट्स रहती हैं, तब ये सवाल उस मीडिया को लेकर उठता है कि ये मीडिया कहाँ जा रहा है। तो उस के बारे में भी मेरा मानना ये है कि ये एक संक्रमण काल रहता है, उसे भी सेट होने में समय लगा 24 घंटे के टेलीविज़न को, और सोशल मीडिया में भी यही बात है। तो इसलिए उससे कहीं कोई घबराने की बात या कहीं डरने की बात या कहीं आशंकाओं की बात नहीं है। हमेशा चीज़ जब आगे बढ़ती है तो वो एक निश्चित मुकाम पर पहुँचती है, और वो मुकाम अच्छा ही होता है। तो मीडिया में हम कुछ नए आयाम, कुछ नई दिशाओं को खोज रहे हैं, और तकनीक ने, जैसा मैंने पहले कहा कि तकनीक ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है, तो हमें उस तकनीक के साथ दौड़ना ही होगा। देखिए, जब ब्लैक एंड वाइट अखबार चला करते थे, टेलीविज़न जब कलर लेकर आया तो अखबारों को भी कलर देना पड़ा, तो ये एक अच्छी दिशा में ही परिवर्तन था। और आज सारे अखबार बहुत रंगों का अच्छा बेहतर इस्तेमाल करते हैं, तो वो दुनिया जैसी बदलती है वैसा मीडिया को बदलना है, और वो बदल रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, और किसी न किसी अच्छी दिशा। यानी सर, समय के साथ परिवर्तन जो है वो हर चीज़ में आना चाहिए। तो सर, आपने जैसे अभी सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो मेरा अगला सवाल सोशल मीडिया पर ही आधारित है कि जैसे हम देख रहे हैं आजकल की फेक न्यूज़, अभी कोविड के दौरान भी बहुत सारी फेक न्यूज़ वायरल हुई थी, तो इससे जो मुख्य धारा की मीडिया है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मीडिया की ताकत क्या है? विश्वसनीयता। अगर हम कोई शब्द कह रहे हैं, देखिए, हमारे शब्दों पर बड़ा भरोसा करते हैं लोग, एक तरह से मीडिया एजुकेट करता है,
और अगर हमारे शब्द में सार्थकता नहीं होगी, शब्द हमारा गलत होगा, तो शब्द अगर हॉलो होगा, शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, निरर्थक होगा, तो मीडिया का उद्देश्य वहाँ डिफीट हो जाता है और हम समाज के साथ कोई भला नहीं कर रहे होते हैं। हमारी एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक हैं हम, उसी तरह हम एक जिम्मेदार मीडिया हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को सच बताएं, सार्थक बताएं, सकारात्मक बताएं। नकारात्मकता अगर है तो उसके दुष्परिणामों के साथ उसमें क्या दिशा हो सकती है वो हमें बताना है। सोशल मीडिया आने के बाद जो फेक मीडिया की समस्या, फेक न्यूज़ की समस्या है, ये इसलिए बढ़ गई है कि सोशल मीडिया में कोई एक आदमी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है। अखबार हैं, टेलीविज़न है और भी जो अन्य माध्यम है, उनमें कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार व्यक्ति है और एक जिम्मेदारी का भाव है। सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। एक अच्छी बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्लेटफार्म बहुत ब्रॉड हुआ है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की जो आज़ादी के जो अंकुश हैं, उसके जो मापदंड हैं, उसकी जो रुकावटें हैं, उसके जो प्रतिबंध हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। और जाहिर बात है कि आम आदमी उतना नहीं सोचता है और उतनी जिम्मेदारी से काम हर आदमी नहीं करता है, और इसलिए ये विश्वसनीयता की समस्या खड़ी हुई है। इससे मीडिया को नुकसान हो रहा है। हम जिस विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी के बल पर भारतीय मीडिया या कोई भी मीडिया अपनी साख बनाता है, वो ख़त्म होती है इससे, और आदमी का, पाठक का विश्वास उठता है। और इसलिए हमारे सारे साथियों को, जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, हालांकि बहुत तेज़ी से मंथन इस पर चल रहा है, मीडिया को मंथन करना भी चाहिए, तो हम सभी साथियों को इस फेक न्यूज़ से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से हर एक को ये जवाबदारी लेना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पत्रकार जो है वो समाज का एक तरीके से आईना होता है, और वो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम दर्शकों और पाठकों तक सही जानकारियाँ प्रदान करें। सर, मेरा अगला देखिए, लोग जब कोई मुद्दा आता है, कोई समस्या आती है, कोई राष्ट्रीय इशू होता है, तो पत्रकार से पूछते हैं कि इस मामले में क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो उसे इस समाज का बौद्धिक प्रतिनिधि मानते हैं, तो इसलिए उसे सच्चाई ही सामने रखना है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज वर्तमान युग में आप डेवलपमेंट जर्नलिज्म को आप किस स्तर पर देखिए? विकास पत्रकारिता की एक धारा बड़ी तेज़ी से पिछले दिनों आई थी, जैसा मैंने पिछले दिनों अपने वक्तव्य में कहा भी था कि आज़ादी के बाद हमारा एक बड़ा उद्देश्य समाप्त हो चुका था। स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, स्वतंत्रता के पहले तक अखबार आज़ादी के सेनानी बने हुए थे, लड़ाके थे आज़ादी के अखबार भी। आज़ादी के बाद ये प्रश्न था कि अब मीडिया क्या करेगा, क्या करना चाहिए, तो हमने, हमारा मीडिया राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोगी हुआ। सरकारों ने जो विकास की प्रक्रियाएं शुरू की देश में, स्वाधीन सरकार ने, उसमें हम सहभागी बने, और वहाँ से विकास पत्रकारिता का जन्म हुआ कि विकास जो देश ने शुरू किया है उसकी खबर आम आदमी तक पहुँचाई जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि विकास पत्रकारिता वाला जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है, वो बड़ा आधा अधूरा सा रह गया है। हम अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुँचे। वो मुझे कई बार लगता है कि विकास पत्रकारिता के मामले में हम कुछ भटक भी गए हैं, तो और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमने विकास के नाम पर जिस तरह से बहुत जगह रिपोर्टिंग हुई, उससे शब्द की जो गरिमा है, शब्द की सार्थकता, वो भी कहीं कम हुई है। क्योंकि मैंने देखा है, एक समय ऐसा था कि जब अखबार कुछ लिख देते थे या दूसरे मीडिया पर, टेलीविज़न पर किसी समस्या के बारे में समाचार प्रसारित होता था, तो प्रशासन तुरंत सक्रिय होता था। आज उस तरह का इम्पैक्ट कम हुआ है, और उसकी वजह शायद ये है कि हम विकास के मामले में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हमेशा नहीं करते हैं। तो विकास की पत्रकारिता की ज़रूरत तो है, क्योंकि हम विकासशील देश रहे हैं, विकास की बहुत गुंजाइश है। देखिए, हम लोगों ने जब चंडीगढ़ से अखबार निकाला,
तो वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ तो सब विकसित है, यहाँ आप किस बात की पत्रकारिता करेंगे भाई, आप हिंदी प्रदेशों में हमेशा विकास की खबरों को उठाते रहे हैं, अखबार की बहुत सारी जगह विकास की खबरों, समस्याओं से जुड़ी खबरों पर केंद्रित रहती, चंडीगढ़ में तो विकास है तो आप क्या खबर देंगे। लेकिन देखिए, विकास केवल भौतिक विकास नहीं है, एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि विकास में भी बहुत लोचे हैं कई जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार की इंडेक्स में भी हमारा स्थान अच्छा खासा है। तो भ्रष्टाचार जो विकास है उस पर सही ढंग से निगाह रखने की ज़रूरत अभी भी है, और ये काम मीडिया कर सकता है, वो करना चाहिए। तो विकास पत्रकारिता तो होनी चाहिए, लेकिन अभी उसको बहुत तरीके से करने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज मिशन जर्नलिज्म और प्रोफेशनल जर्नलिज्म एक डिबेट का विषय बन गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब कहीं ना कहीं मिशन जर्नलिज्म, आम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अब पत्रकार बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या है कि मिशन जर्नलिज्म आज़ादी के आंदोलन के समय, जो उस समय का जो काल था, उसमें जो पत्रकारिता हो रही थी, उससे ये शब्द निकला। क्योंकि हम उस समय पत्रकार एक मिशन को लेकर काम कर रहे थे, वो मिशन था देश की स्वाधीनता। जाहिर बात है कि स्वाधीनता मिल गई तो क्या मिशन होगा, जो मैंने अभी जिक्र किया कि फिर विकास की खबरों को हमने आधार बनाया। तो मिशन जिस तरह से मिशनरी रूप में पत्रकार काम करता था आज़ादी के समय, वो मैंने जैसा कहा था कि बैग में साइक्लो स्टाइल मशीन लेके भी निकलते थे पत्रकार की, कहीं जब्त हो जाएगी मशीन तो भी हमारा विचार मरेगा नहीं। पर्चे निकालते थे लोग अपने, व्यक्तिगत रूप से खुद बांटते थे, तो वो मिशनरी भाव तो आज़ादी के साथ ख़त्म हो जाना था। अब दूसरा जो मिशन पत्रकारिता ने लिया, वो जो था विकास पर निगाह रखना, विकास के साथ विकास की खबरें देना, उसका भी मैंने आपको बताया कि, लेकिन देखिए उसमें पत्रकार का मिशनरी जो शैली है उसमें बदलाव आ गया, वो उस तरह का मिशनरी नहीं रहा। तीसरा जो डेवलपमेंट हुआ इसके बाद कि पत्रकार अखबार निकालना पूंजी का खेल हो गया, यानी आप अखबार बड़ी पूंजी की मांग करता है, बड़े संसाधनों की ज़रूरत होने लगी, और जब संसाधनों की ज़रूरत है तो जाहिर बात है कि उसमें आय व्यय का हिसाब किताब और मुनाफे की का गणित भी आएगा। और जहाँ ये आया है तो वहाँ मिशन की जगह वो सारा काम एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हो सकता है। इतना बड़ा जब सेटअप, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, या अखबार निकालना अगर बहुत संसाधनों का खेल है तो जाहिर बात है कि वहाँ प्रोफेशनल्स चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए प्रोफेशनलिज्म आया है। और प्रोफेशनलिज्म देखिए कोई अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें, इस तरह से कहें कि भाई मिशन की जगह प्रोफेशन क्यों हो गया है और ये एक नकारात्मक डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनलिज्म तो होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अनगढ़ तरीके से उस ज़माने में अखबार निकालते थे, एक विचार था उसमें, लेकिन बहुत सी जो प्रोफेशनल ज़रूरतें हैं उनके बिना बहुत अच्छा कोई भी व्यवसाय उसके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के बिना बहुत अच्छा नहीं चल सकता। तो इसलिए जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, मिशन के भाव का तिरोहित होना और शुद्ध रूप से उसे प्रोफेशनल हो जाना, ये जो है ये दो अर्थों में है। मतलब एक अर्थ में हम ये मानते हैं कि प्रोफेशनल हो गए मतलब हमने शायद सामाजिक दायित्व और हमारी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ के हम शुद्ध रूप से मुनाफे के का गणित करने लगे हैं, ऐसा एक अर्थ में ये कहा जाता है। ऐसा है भी और नहीं भी है। सामाजिक सोच और सामाजिक दायित्व आज भी उसके अंदर काम कर रहा है, और कम काम कर रहा है, पहले से कम हो सकता है, क्योंकि पहले केवल सामाजिक उस उद्देश्यों के लिए पत्रकारिता होती थी, आज व्यावसायिक उद्देश्य हैं, वो दोनों वजह से हैं, एक व्यावसायिक दबाव भी है और दूसरा कुछ लोगों ने इसे व्यवसाय की तरह अपना भी लिया है। तो शुद्ध रूप से प्रोफेशनल होना सामाजिक दायित्व को छोड़ देना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कोई
कितनी भी पूंजी लगाकर उस पर उससे मुनाफा कमाने के लिए अगर अखबार निकालता है तो भी अगर उसमें पत्रकार हैं, पत्रकारिता है, तो वहाँ सामाजिक दायित्व है। सर, आखिर में आप पत्रकारिता के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो दो तीन बातें ही कहना चाहूँगा, मेरे दो तीन आग्रह ही हैं। जो एक आग्रह है उसकी तरफ आपने अभी संकेत किया था, जिस पर हमने अभी बात की है, कि सत्य के साथ खड़े रहें, क्योंकि पत्रकारिता सत्य का ही की अभिव्यक्ति है। अगर सत्य नहीं है तो पत्रकारिता नहीं है। हम समाज हमसे सच की अपेक्षा करता है, हमें उसके सामने सच रखना है, तो सत्य के साथ खड़े रहें। दूसरा मेरा आग्रह ये है कि सत्य को प्रस्तुत करने के लिए आपको एक भाषा की ज़रूरत है, तो अपनी भाषा उत्कृष्ट परिष्कृत भाषा शालीन भाषा के साथ लोगों से संवाद करें। इसलिए नए पत्रकारों को मैं कहूँगा कि भाषा पर ध्यान दें। और तीसरी जो बात है वो ये है कि आज नॉलेज सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, तो हमें ज्ञान के साथ चलना होगा। आज का पाठक बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, खुद भी पढ़ा लिखा होना होगा। तो मेरी नई जनरेशन से, नए पत्रकारों से, नई पीढ़ी से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद विवेक जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे स्वदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्यकारी संपादक शिव कुमार विवेक जी। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की कड़ी में, हमारे अतिथि में, एक नए ऐसे ही हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।